अब भाई साहब, सबसे बड़ा प्रश्न है कि विशेष वक्ता कैसा होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप अवगत कराएं। ये अभी तक जो बातें टोटरमल जी ने कही वो वक्ता के सामान्य लक्षण के संदर्भ में कही, कि माने कोई भी व्यक्ति को अगर वक्ता बनना है तो उसकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन, हाँ, बेसिक बातें उसमें कितनी होनी चाहिए, इसकी चर्चा टोटरमल जी साहब ने यहाँ की। अब यहीं वे प्रसंग प्राप्त ये भी कहते हैं कि सामान्य वक्ता तो ठीक, लेकिन इसके अलावा वक्ता में अगर ये और विशेषताएं हो जाएं तो और बढ़िया हो जाए। सही है, इसे बोलते विशेष वक्ता। तो विशेष वक्ताओं की जो विशेषताएं हैं, उन्होंने दो तीन बातों को हम मुख्य रूप से खड़ा किया है, जिसमें सबसे पहली बात तो उन्होंने की है कि व्याकरण न्याय आदि बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो। यहाँ व्याकरण न्याय को तो खोल दिया, और व्याकरण न्याय के आश्रय से आप चारों नियोग देख लीजिए। सही है, व्याकरण का विशेष ज्ञान हो, न्याय का विशेष ज्ञान हो, अथवा अध्यात्म का विशेष ज्ञान हो, अथवा कर्णानियोग का विशेष ज्ञान हो, अथवा चरणानियोग का विशेष ज्ञान हो। हम सिद्धांत ग्रंथ की बात भी कर सकते हैं कि जिस वक्ता को सिद्धांत ग्रंथों का अथवा अध्यात्म ग्रंथों का विशेष ज्ञान हो तो उसका वक्तापना विशेष रूप से शोभित होता है। ये समय सार के विशेषज्ञ विद्वान, ये गौमट सार के विशेष विद्वान, तो उसकी एक विशेषता अलग होती है, और लोग पर्टिकुलर उस विषय को सुनने के लिए उसके पास इकट्ठे होते हैं और उसके विषय को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस विषय का अधिकारी विद्वान कहलाता है। सही है, तो बड़े बड़े जैन शास्त्रों को इसका, हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बड़े शास्त्र माने सिद्धांत ग्रंथ धवल आदि का अध्ययन करता हो, अथवा समझ लो चरणानियुक्त के जो बड़े प्रतिपादक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करता हो, ऐसी द्रव्यानुयोग में समय सार प्रवचन सार आदि का विशेष अध्येता हो, तो बड़े ग्रंथों का अध्येता है। तो ये सब सभा में लेने से बड़ा वक्ता है कि उसको स्वयं को उसका अध्ययन होना, उसको स्वयं को अध्ययन होने की बात है। पर तो सभा में तो ये तो वक्ता की होशियारी है कि वो सभा में क्या विषय ले रहा है। कोई ग्रंथ बड़ा या छोटा नहीं है, आप उस ग्रंथ को कितना सरल करके जो सामने श्रावक या श्रोता बैठे हैं है। उनकी बुद्धि पे कैसे उतार सकते हैं। न्याय का कोई कठिन विषय है, कोई अच्छा अध्यापक हो, हाँ, तो लोगों को बिल्कुल जीरो विद्यार्थियों को भी बहुत बढ़िया तरीके से समझा देता है, और कोई खराब अध्यापक हो तो एकदम सरल विषय नमोकार वही ऐसा कठिन करके पढ़ाता है तो लोगों को लगता है जी कब बता दी, जो आता था वो और भूल जाते हैं। तो वो तो श्रोता को के हिसाब से नहीं, खुद के अध्ययन में उसने क्या क्या विषय पढ़े हैं, क्यों, उससे उसकी बुद्धि निर्मल होती है। सही है, आप जितना कोई ग्रंथ का विशेष अध्ययन करते जाएं, जैसे अपन है जब तक अपन ने शास्त्री गरी तो जैन दर्शन का सामान्य ज्ञान किया, पर जैसे जैसे शास्त्री गरने के बाद अपन इस फील्ड में बने रहे और जैसे जैसे आगे पढ़ते रहे तो अपन को लगा ना कि यार वो तो हमने बहुत प्राइमरी पढ़ा था, सही, अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है। तो जैसे जैसे विशेष ग्रंथों का अध्ययन होता है वैसे वैसे ज्ञान का खुलासा और होता है, बुद्धि का क्षयोपशम, बुद्धि का विकास और होता है, उससे उसके वक्तापने में भी विशेषता। अरे सब बात तो सब शास्त्रों में एक ही कही गई है, जितने भी बड़े बड़े शास्त्र हैं, छोटे छोटे शास्त्र, छोटे शास्त्रों में वही बात कही है, बड़े शास्त्रों में बात कही है, तो छोटे शास्त्रों से वो बात समझ ली है तो बड़े शास्त्रों के अध्ययन की क्या जरूरत है। ऐसा है कि जो बात समझी गई ना उस बात की पुष्टि के लिए, उस बात की स्थिरता के लिए और उस बात की प्रमाणिकता के लिए और बड़े ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है। जैसे एक स्कूल में टीचर ने भी बच्चे को सिखाया कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, फिर घर आया तो मम्मी ने भी यही सिखाया कि झूठ बोलना बुरी बात है, फिर दादा ने भी यही सिखाया कि झूठ बोलना बुरी बात है, फिर मंदिर में आया तो धर्म अध्यापक ने भी यही सिखाया कि झूठ बोलना बुरी बात है, फिर कोई साधु संत आए उन्होंने भी यही सिखाया, तो उससे उसकी वो बात पक्की हो गई ना कि टीचर तो कुछ बोले और अध्यापक कुछ बोले तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। सही, तो बात तो जैन दर्शन की सब जगह ही एक सी है, चाहे आप छैठाला पढ़ो चाहे समय सार पढ़ो। सही है, वही वितरा विज्ञान की बात मोक्षण प्रकाशक में भी, वही वितरा विज्ञान की बात समय सार में भी, वही वितरा विज्ञान की बात धवला में भी है। लेकिन जो वितरा विज्ञान की बात मोक्षण प्रकाशक में पढ़ी और जब हम ये कहते हैं धवला में भी यही बात कही, हाँ हाँ, तो हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग टाइप का हो जाता है। क्यों? क्योंकि धवला को हम आगम ग्रंथ समझते हैं, चित्त में उसके प्रति हमारा बहुमान विशेष अलग प्रकार का है, उसके प्रति बहुमान होने से इसका बहुमान घट गया ऐसी बात नहीं, लेकिन नैसर्गिक है, बड़े आदमी के प्रति बड़ा मान होता ही होता है, सबके प्रति एक सा आदर तो नहीं। तो जैसे मान लो विद्यार्थियों को आप कोई चीज पढ़ाओ, फिर वो चीज शांति जी पढ़ाए और फिर वो चीज दादा पढ़ाए, तो एक सी बात होने पर भी वो किसने बताई उसके आधार से वजनदारी का फर्क पड़ता। आप भी विद्यार्थियों को कहते हो कि प्रवचन में समय पे आना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। सही है, आप 10 बार कहते हो तो उसका 1 बार असर होता है। उसी बात को शांति जी
एक बार कहें तो उसका दुगना असर होता है। सही है। और दादा उसका इशारा अकेला करें तो 6 महीने तक असर रहता है, तो फर्क हो गया ना। हाँ। तो इसलिए वो बड़े ग्रंथों को पढ़ने से बुद्धि निर्मल विशेष होती है, और बुद्धि निर्मल हो तो तत्व का भाव भाषण विशेष होता है। हाँ। इसलिए विशेषता मुख्य रूप से। दूसरी इसमें एक विशेषता मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर होता है हिंदी का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो हिंदी साहित्य में तो बहुत सारी किताबें हैं, वो बात अलग है, फिर भी उस प्रोफेसर के लिए कुछ सिलेक्टेड होती हैं कि इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए, एक ग्रंथ तो आपको आने ही चाहिए। तो उसी प्रकार जैन धर्म के वक्ता के लिए जो आपने विशेष बड़े बड़े शास्त्र कहेंगे, तो वो ऐसे कुछ शास्त्रों के आप नाम बता दीजिए जो पढ़ने ही चाहिए। ये बात हम पिछली कक्षाओं में भी कह चुके हैं कि ऐसा जैन दर्शन में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं कि ये पढ़े और ये न पढ़े, जिसमें रुचि उसको पढ़े। हाँ। ऐसा नहीं है कि उसको कम से कम एक पद्म पुराण पढ़ लेना चाहिए, एक रत्नाचार पढ़ लेना चाहिए, एक समयसार पढ़ लेना चाहिए, एक तत्वार सूत्र पढ़ लेना चाहिए, एक चढ़ाला पढ़नी चाहिए, ऐसा कोई सिलेबस है ही नहीं। जिसकी जैसी रुचि है वैसा पढ़े। और फिर भी अगर आप सिलेबस की बात करते हो तो फिर सिलेबस बालबोध से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? बालबोध पढ़े, फिर तो बड़े बड़े शास्त्रों की बात, फिर तत्व ज्ञान पढ़े, फिर लघु सिद्धांत प्रवेश का पढ़े, फिर आए तो समझ लो जो अपने महाविद्यालय का बाकायदा कोर्स डेवलप होता है कि छढ़ाला पढ़े, फिर आए तो प्रशस्त सिद्धि उपाय रत्न साहब का चार पढ़े, फिर पुराण साहित्य पढ़े, फिर समय सार प्रवचन सार आदि पढ़े, फिर गोमट सार आदि पढ़े, ये क्रम भी है। सही है। तो कम से कम इतने चारों नियोगों के जो प्रतिनिधि ग्रंथ हैं उनका ज्ञान तो सामान्य रूप से होना कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि ग्रंथ है सभी। हाँ, चारों नियोगों। हाँ, तो चारों नियोगों का उसको विशेष ज्ञान बैलेंस ज्ञान होगा होगा। और विशेष वक्ता की क्या फिर दूसरी विशेषता उन्होंने कही, आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है। हाँ। देखो अभी तक उन्होंने टोडरमल जी ने जो कहा कि पहले विशेषता कही फिर वो विशेषता क्यों होनी चाहिए ये कहा। हाँ। इस वाले बिंदु में उन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि यहाँ ये कहा कि अनुभव क्यों होना चाहिए, और फिर बाद में कहा कि अनुभवी हो तो अच्छा है। हाँ। है ना, जैसे मैं इन पंक्तियों को पढ़ देता हूँ, पुनश्च ऐसा भी हो, ऐसा भी हो माने जैन शास्त्रों का विशेष विद्वान हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हो वह जैन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति से ही वक्ता होता। हाँ। पद्धति से माने परंपरा परंपरा पद्धति को मैं सही शब्दों में कहूँ तो कैसेट बज गई। हाँ। माने कोई पेन ड्राइव लगाई तो पेन ड्राइव में जो गाना भरा था उसने सुना दिया, उसे पेन ड्राइव को क्या इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सुनने वालों को क्या इफेक्ट पड़ा वो अलग बात है, पर इंडिविजुअल पेन ड्राइव को तो कोई लेना देना नहीं था। कोई भजन भी बजा दो, चाहे कोई फिल्मी गाना बजा दो, चाहे कोई गंदा डांस गाना बजा दो, उससे उसको क्या फर्क पड़ना? सही है। ना उसको भजन सुनने से वैराग्य आना है और ना फिल्मी गाना सुनने से उसको वो होना है। तो ऐसी पद्धति से वक्ता होना माने हमारा काम है पढ़ाना, हमें पढ़ा दिया, हमें कोई फर्क नहीं। विद्यार्थी तो पढ़ के विद्वान बन जाएंगे लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पद्धति का वक्ता की बजाय फिर कैसा वक्ता चाहिए? अध्यात्म रस में सच्चे जैन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता। क्योंकि जैन दर्शन का सार ये है, जैन दर्शन का मूल ये है कि हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए। सुखी होना है तो सुखी होने के लिए का मूलभूत बिंदु क्या है कि दुखी कौन? के आत्मा के दुखी किस कारण से? के परोन्मुख दृष्टि से। तो सुखी कैसे होएगा? कि अब परोन्मुख दृष्टि छोड़े, पराश्रय की बुद्धि छोड़े तो सुखी हो जाए। हो जाएगा। तो पराश्रय की बुद्धि कैसे छोड़े? कि अभी तक उसने पर में सुख देख रखा है, अब स्व में सुख देखे। क्यों? सुख में सुख है ये। हाँ। देखेगा तो उसको सुखी हो जाएगा। तो अगर स्वानुभव से युक्त व्यक्ता है तो वो उस चीज को जो कह रहा है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, एक इस बात को एक तो वो व्यक्ति बोले जिसने केवल याद की है। हाँ। और एक वो व्यक्ति बोले जिसने अनुभव की है। दोनों की उस फीलिंग में अंतर आएगा ना। हाँ, जैसे हम कांजी स्वामी के प्रवचन में देखते हैं कि उन्हें कितना आह्लाद आता था आत्मा की बात कह के सुन के। बिल्कुल। इसको मैं ऐसे भी कहता हूँ कि श्रृंगार का कोई पाठ हो। हाँ। और उस श्रृंगार के पाठ को कोई नाबालिग बच्चा करे और उसी पाठ को कोई बालिग व्यक्ति करे। सही है। तो दोनों की फीलिंग में अंतर होता है, एक्सप्रेशन में अंतर। के श्रृंगार के पाठ को नाबालिग बच्चा करता है, बहुत बढ़िया करता है, लेकिन करने के बावजूद भी वो उससे इफेक्टेड नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। लेकिन बालिग बच्चा उस श्रृंगार के पाठ को करता है, बहुत अच्छा करता है, लेकिन अच्छा करने के साथ साथ उससे इफेक्टेड भी होता है। ऐसे ही के जैन दर्शन की अच्छी बातों को बोल देना ही नाबालिग बच्चे जैसा हिसाब किताब है। सही है। और उसको भाव भाषण पूर्वक कहना
ये वो बालक बच्चे जैसा हिसाब करता है, जिसने अनुभव को किया है, जिसने अपनी आत्मा का दर्शन किया है, जिसने वो सुख का वेदन किया है, फिर वो जो कहेगा तो उसके कहने में ताकत अलग प्रकार की होगी, उसमें फेथ की गहराई कॉन्फिडेंस अलग हो। जैसा होता है ना, कोई व्यक्ति अपने अनुभव से कोई नुस्खा बनाए और वो नुस्खा उसने अपनी फीलिंग से पास किया हो, तो वो लोगों को मजबूती से बताता है। और ये होता है कि नहीं, मुझे वैद्य जी ने बताया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उन दोनों फीलिंग में अंतर आता है। सही। इसलिए वक्ता की दूसरी बड़ी विशेषता ये है कि उसको आत्मज्ञानी होना चाहिए। यहाँ प्रसंग प्राप्त आत्मज्ञानी होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्रवचन सार की एक 239वीं गाथा का रेफरेंस भी यहाँ खड़ा किया कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धार और संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, इन तीनों का एक्सटर्नल बॉडी, आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान की एक्सटर्नल बॉडी, तत्व श्रद्धा सम्यक दर्शन की एक्सटर्नल बॉडी, और संयम सम्यक चार्य उसके एक्सटर्नल। ये सब चीजें कब फ्लेवर्ड आएंगी, ये सब जब चीजें कब अपने अर्थ को प्राप्त होंगी, कि जब इसमें अनुभव साथ में इन्वॉल्व होगा। ये इन्वॉल्व होगा अनुभव तो ये सब सार्थक हो जाएंगी, और अनुभव नहीं होगा तो ये सब सार्थक नहीं होंगी। इसे हम ऐसा भी कहें कि जीरो के आगे जीरो के आगे जीरो, कितने जीरो लगाएंगे, वे काम क्या हैं, कोई काम के नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसके पीछे एक लग जाए तो सब सबकी वैल्यू, तो वैल्यू नहीं बढ़ जाए, दस दस गुना बढ़ जाए, पहला जीरो 10, दूसरा जीरो 100, तीसरा जीरो 1000, ऐसी वैल्यू बढ़ती है। वो काय वास्ते बढ़ी, तो वो एक लगा है पीछे। ऐसी अनुभव हो तो ये सब बातें खूबसूरत हो जाती हैं, और अनुभव ना हो तो वही चीजें खूबसूरत। अपन देखते भी हैं कि आगम ज्ञान में कहा भी जाता है कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो पर आत्मज्ञान नहीं हो तो वो, और छढ़ाला में कहा है कि संयम भाव को समझ क्या कीमत है, कोटि जन्म में तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्मय त्रिगुप्ति में सहज टले हैं। बिल्कुल। और फिर इसी बात को उन्होंने दोहा पहाड़ के एक दृष्टांत से पुष्ट किया है। फिर वहाँ उन्होंने 14 विद्याओं की बात की। 14 विद्याओं की बात आई तो मैं आपको एक बार 14 विद्याएं क्या होती हैं इनके नाम भी आपको बता देना चाहता हूँ। उसके पहले अपने दोहा एक बार इसका अर्थ पढ़ लें, बस लिखा है, पढ़ देता हूँ। हाँ। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तीन बार पंडीय पंडीय पंडीय। हाँ। तू कर्ण छोड़कर तुस ही कूट रहा है। कित माने मूल पढ़ो तो मजा आए, मैं पढ़ लेता हूँ। पंडीय पंडीय पंडीय, कर्ण छोड़ भी तुस कंडिया। हाँ। पय अथ तुठोसी, परमत्थ ना जाने मूढ़ोसी, के मूर्ख हो, परमार्थ नहीं जानते इसलिए तुम मूर्ख हो। चलो, 14 विद्याओं में पहली अध्यात्म विद्या कही। वे 14 विद्याएं कौन हैं तो मैं आपको 14 विद्याओं के नाम एक बार बोल देता हूँ। पहली विद्या अध्यात्म, दूसरी रसायन, फिर स्वर, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुष, वैद्य, खेती, कुंकण, नाविक, नृत्य, नाटक और अश्व। ये इस प्रकार से 14 विद्याएं कही गई हैं। कोंकण विद्या को कदाचित आपको बात स्पष्ट ना हुई हो तो मैं आपको बता देता हूँ। 10वीं विद्या जो कोंकण विद्या है, इसको जादू टोना या तंत्र मंत्र भी कहते हैं। तो 14 विद्याओं में जो लौकिक में विद्याएं कही गई हैं, उसमें सबसे पहली विद्या अध्यात्म विद्या कही गई है। अध्यात्म हो तो जीवन सार्थक होगा, और अध्यात्म ना हो तो जीवन सार्थक। क्यों भाई सब, बाहर की चीजों से भी तो जीवन में उन्नति दिखाई देती है लोक जगत में, ऐसा? सही बात है, दिखाई देती है। हमने आज रोटी खाई, अभी पेट भर गया, शाम को फिर भूखा, उस बात की क्या कीमत है? कीमत तो उस बात की है कि एक बार खाओ फिर दोबारा भूख ना लगे। ऐसे ही ये सब विद्याएं हमारे कोई वर्तमान भाव को ठीक कर देंगी, कोई पर्टिकुलर जीवन को ठीक कर देंगी, लेकिन अध्यात्म विद्या ऐसी है जो एक बार जीवन में आएगी तो आगे के सारे जीवन को सही कर देंगी। इसलिए अध्यात्म विद्या को प्रथम स्थान दिया गया, और न केवल जैन दर्शन में, सारे दर्शनों में अध्यात्म विद्या को इसीलिए शिरोमणि कहा गया। क्यों? क्योंकि जो जीव आध्यात्मिक हो गया है वो आदि व्याधि और उपाधि के चक्कर से निकल करके परम सुख में स्थित हो जाता है, और फिर उसको जन्म मरण और संसार के दुख नहीं होते। ये बात सामान्य
सारे दर्शनों में ली गई है। आपकी बात बहुत अच्छी है आपने बता दी, पर अगर हम दुनिया का मानचित्र उठा के देखें तो दुनिया में जितनी भी पढ़ाई हो रही, जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें अध्यात्म विद्या तो कहीं पढ़ाई नज़र नहीं आती है, और बाकी की जो 13 विद्याएं पढ़ रही हैं इन्हीं पर पूरा जगत चल रहा है, इन्हीं पर जगत में काम हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अगर इतनी भजन है अध्यात्म विद्या में तो उसका निखर के आनी चाहिए थी। नहीं नहीं, ये आपका ऑब्जर्वेशन का एक तरीका है, मैं इसको कहता हूँ आप जो पढ़ा रहे वो का है, अभी तो दुनिया में हो। हाँ, बहुत लिमिटेशन है ना। बराबर, लेकिन अब मैं दूसरी बात कहता हूँ कि अगर उस विद्या में सुख हो गया होता, उस विद्या में आनंद होता, तो आज वे सारे लोग उस सब चीज़ों को पढ़ने के बाद छोड़ छोड़ करके हरिद्वार की ओर नहीं भाग रहे होते, योग की तरफ नहीं भाग रहे होते। आज जहाँ जिन विद्याओं की बात आप कर रहे हो, जिन देशों में इनकी बहुत प्रचुरता है, आज उनके बीच में अध्यात्म की विद्या के जानकारों की सबसे ज़्यादा डिमांड है। अभी जानकार हैं या नहीं है वो अलग विषय है, अभी मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। सही है, लेकिन आप चाहे श्री श्री रविशंकर हों, चाहे वे आपके सदगुरु हों, जो भी बड़े प्लेटफॉर्म आप जिनको देखते हैं या समझते हैं, उनकी आज कितनी डिमांड है। क्यों? और सब यही बोलते हैं कि ये सब जो तुमने इकट्ठा किया है, कमाया, सब निरर्थक है, इससे कोई सुख नहीं होना, कोई सुख नहीं होना। तो उनकी मजदूरी को, उनकी कमाई को निरर्थक बताए और लोग उनको बड़े हर्ष के साथ सुने, तो ये कुछ ना कुछ तो होगा ना। हाँ। इसलिए अध्यात्म विद्या को लोग एक्सेप्ट करते हैं, भले वो बात अलग है कि व्यवहार में लोगों के जीवन में वो दिखाई नहीं देता, आकर्षण तो बाहर की चीज का दिखाई देता है, वो तो ऐसी बात है जैसे आयुर्वेदिक और एलोपैथी है। सही है, हमें दर्द तो आज हो रहा है, तो हमें तो आज पेन किलर दे दो, अभी 2 मिनट में मिट जाए। अब आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाओगे तो 2 दिन तक तो दर्द सहना ही पड़ेगा। सही है, तो किसी को तब पेशेंस बर्दाश्त नहीं है। हमें आज भूख लगी तो आज रोटी खिला दो, हाल लगाओ हाल फायदा। हाँ। तो ऐसी लौकिक व्यवस्था, लौकिक सुख, कि अभी उसको समझ लो काम क्रोध मद मोह लोभ के परिणाम है, वो आज उसकी संपत्ति मिल, सामग्री मिल जाए, उसका काम पूरा होता है, इसलिए उसकी तरफ लोग भागते हैं। लेकिन वास्तव में लोग अध्यात्म आयुर्वेद को अच्छा समझते हैं और चाहते तो आयुर्वेद को ही है। हाँ। भले वो एलोपैथी अपनाते हों, ऐसे ही बाहरंग में लोग भले लौकिक कार्यों से अपने आप को सुखी होने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वे सुखी नहीं होते और आखिरकार अध्यात्म में ही अपने जीवन के सार्थकता और सुख को ढूंढते हैं और मानते हैं। इसलिए कितने बड़े व्यक्ति हों, आखिरकार मंदिर की आस्था, देवत्व की आस्था, कोई एक बड़ी सर्वशक्तिमान वस्तु है जो इस दुनिया को संभाले हुए है, हम कुछ नहीं करते हैं, ये सारी बातें हर व्यक्ति के मन में कूट कूट करके भरी हैं, चाहे वे भारतीय दर्शन हो चाहे वे पाश्चात्य दर्शन हो। फिर वो प्रैक्टिकल रूप में किसी के क्यों नहीं दिखती हैं? जीवन में आती हैं, यथा समय आती हैं, यथा समय नहीं आती है। हर चीज़ हर व्यक्ति के मन में आ जाए तो फिर चीजें न बदल जाए, दुनिया बदल जाए। ऐसा भी इसको देख सकें कि इसका प्रचार प्रसार कम हुआ है, उसको सही रूप में प्रस्तुत कम किया गया हो, बाहरी चीजों को दूसरे रूप में ज्यादा प्रस्तुत किया तो वो ज्यादा प्रचार प्रसारित हो गई, इस चीज को अपन कम प्रचार प्रसारित कर पाए हो, सही तरीके से आ सकता है कि इसका इफेक्ट तत्काल दिखाई नहीं देता। जैसे मैं कहता हूँ कि कषाय छोड़ दो तो तुम सुखी हो जाओगे, पर वो कषाय छोड़ने का, सुखी होने का असर तत्काल किसी दूसरे को नहीं दिखाई देगा। मैं तो सुखी हो गया, अच्छा, लेकिन तुम्हें फीलिंग ही नहीं आती। जैसे मैं कहता हूँ मेरे मुनिराज हैं, महावारे महाराज हैं, अब उनके पास सुख का क्या साधन है? हाँ। रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं। सही है, दुनिया में रोटी कपड़ा और मकान ही सुख की वस्तु हैं, और उनके पास क्या है? नथिंग। तो बेचारे बहुत परेशान होंगे, जबकि वे परम सुखी है। हाँ। पर उनका वो सुख हमें दिखाई नहीं देता, हमें तो क्या दिखाई देता, अरे बाप रे इतनी ठंडी कैसे चलते होंगे, अरे भैया इतनी गर्मी कैसे निकलते होंगे, एक ही टाइम खाना है, वही टाइम पानी पीना है, उसमें भी अंतराय हो जाए तो छोड़ के चल देना है, बहुत कष्ट सहते हैं हमारे। हम तो उनकी ऐसी महिमा करते हैं, जबकि उनकी महिमा है ही नहीं। उनकी असली महिमा तो यह है कि उन्हें कपड़े की नीड नहीं है, इसलिए कपड़ा छूट गया। सही है, नीड है और फिर छोड़ दिया, ये तो भिखारीपन है। सही है कि मुझे चाहिए तो आपकी झरकन है, लेकिन दे नहीं रहे ना। हाँ। हमें नहीं पहनना, नहीं पहनना, ये तो भिखारीपन है। फिर क्या है कि तुम हमें दो तो भी हमें चाहिए नहीं, चाहिए। मुनिराज के जीवन में जो भी त्याग है वो ऐसा नहीं है कि उनके पास था नहीं इसलिए उनने छोड़ दिया। सही है, असली बात तो ऐसी कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। और जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उनने फीलिंग में बात ले ली है कि इससे मेरे सुख का कोई संबंध नहीं है। सही है, ना अच्छे कपड़े से कोई व्यक्ति सुखी होता, ना अच्छे रहने से कोई सुखी होता है, और ना अच्छा खाने से कोई सुखी होता है।
ये बात उनकी फीलिंग में दृढ़ता पूर्वक बैठ गई है, इसलिए उसकी रिएक्शन रूप उनके कपड़े छूट गए, उनका खाना छूट गया, उनका रहना छूट गया। हाँ। जंगल में नंग धड़ंग मस्ती से रह रहे हैं, काय बात से, अंतर से, अंतरंग के आनंद के साथ आनंद से रह रहे हैं, ये बात हमें दिखाई नहीं देती। सही, तो ये सुख हमें दिखाई नहीं देता, ये इसको ऐसा कहो कि हमारे पास उस सुख को देखने का कोई चश्मा नहीं है। सही है, दृष्टि नहीं बची, इसलिए जगत में उसको प्रचारित नहीं है। और हमें ये वाला सुख दिखाई देता, अरे यार क्या आदमी है यार, पहले तो छोटी गाड़ी थी, अब देखो मर्सिडीज आ गई, सही, वाह, पहले तो एक कोठी थी, अब तीन कोठी हो गई, क्या हो गया, झाड़ू लगाने का काम बढ़ गया, सही है, रहेगा तो एक ही में, पर मेंटेन तो तीन को रखेगा, एक कोट था तो 14 कोट हो गए, क के लिए, सही है, माने ऐसा कह करके भी। अब आज की दुनिया में अब थोड़ा उल्टा होने लग गया, जो थोड़े बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, वे जी लोग सादगी से रहना पसंद करने लग गए। मैंने कहीं किसी से सुना था या पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि सुंदर पिचई जो गूगल का है या वो जकरबर्ग की बात थी शायद, हाँ, मार्क जकरबर्ग, मैंने तो एक टी शर्ट और एक पैंट पहनना शुरू कर दिया। हाँ। क्यों, झिकझिक ही नहीं गए, वार्डरोब खोलो तो अब क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, इसमें इतना हमें समय बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं। सही है, क्यों, उनके पास तो क्या कमी है, दुनिया के 5वें नंबर का अमीर है, फिर क्यों पहन रहे, क्यों, क्योंकि उन्होंने बात समझ ली कि कपड़े में सुख नहीं है, सुख विचारों में है। सही है, इसलिए अध्यात्म विद्या महान है। और ये मैं केवल शास्त्रीय आधार से नहीं, ये हम हर व्यक्ति का अनुभव ये कहता है, बस बस इतनी सी बात है कि कोई व्यक्ति उस अनुभव को देखना नहीं चाहता। हाँ। मेरे अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं और शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, ये हर व्यक्ति का इंडिविजुअल अनुभव ये है कि जो भी आदमी सुखी हुआ है वो अपने विचारों से ही सुखी हुआ, संयोगों के होने या ना होने से किसी को सुख दुख का संबंध नहीं है। बहुत अच्छा, जो भी आदमी सुखी दुखी जब भी हुआ है या होगा, चाहे लौकिक चाहे पारलौकिक, हाँ। तुम्हारे पास एक शर्ट है उसमें सुखी हो गए कि नहीं हो गए, अच्छा तुम्हारे पास 10 शर्टें हैं तो सुखी हो गए कि नहीं हो गए, कि आपकी मानसिक स्थिति क्या उस पर डिपेंड करता है, कि 10 शर्टें हैं तो अभी आप दुखी हो सकते हो, अरे यार हमारे पास तो 10 ही हैं और उसके पास तो देखो 50 हैं, वो आपका एक शर्ट हो तो अभी सुखी हो सकते हो, क्या मेरे पास शर्ट तो है कम से कम, लोगों के पास तो पहनने के लिए शीती भी नहीं है, ये क्या है, ये सब वैचारिक स्थिति। सही है, ऐसी खाने के संदर्भ में, ऐसी रहने के संदर्भ में, जो समझ लो जो भी, और दुनिया में क्रेडिट उन लोग की है जो मानसिक रूप से सुखी होना सीख गए, जो दुनिया की चीजें इकट्ठी हों फिर वे सुखी होंगे, उन लोगों को तो लोग बहुत पुअर समझते हैं। सही है, कि आज एक नौकरी कर रहे हैं फिर दूसरी छोड़ रहे हैं, फिर ज्यादा पैकेज मिल रहा तो फिर उसको छोड़ रहे हैं, फिर ज्यादा पैकेज मिल रहा तो उसको कोई नहीं वैल्यू देता है, वैल्यू उसके लिए देते हैं कि करोड़ों डॉलर का पैकेज था और उसको छोड़ करके खेती करने आ गए। सही है, क्यों, विचार। तो सुखी होने का जो आधार है वो अध्यात्म, वो मानसिक है, आध्यात्मिक है, वो इन हाउस है। हाँ। हम उसको आउटसाइड देख रहे हैं, ऐसा भी देख सकते हैं, जो 13 विद्याएं वो सिर्फ बॉडी को मेंटेन करने वाली हैं और जो अध्यात्म विद्या है वो हमारे मानसिक स्ट्रांग करने वाली है, असली सुख का कारण तो ये। हाँ। तो दूसरा आपने एक बात कही थी कि जो ये 13 विद्याएं तत्काल में सुख देने वाली हैं और अध्यात्म विद्या है थोड़ा देर से रिजल्ट देती है, पर अगर हम अध्यात्म विद्या को भी थोड़ी सी गहराई में जाके देखें तो ये लौकिक चीजें तो बहुत देर में रिजल्ट देती हैं। जैसे हमें हमने ये डिसाइड किया कि हमें अमीर होने के लिए जॉब करनी पड़ेगी, 10 साल तक हम जॉब करेंगे तब हम अमीर बनेंगे, तब पैसा आएगा, पर अध्यात्म विद्या तो हमने आज आत्मा का अनुभव किया, जिस पल उसी पल आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। से आप इस बात को कह सकते हैं, इसमें कोई बात, मतलब इतनी बड़ी चीज अध्यात्म विद्या है, तो ये प्रधान कही है, इसलिए उस वक्ता को अध्यात्म रस का रसिया। और फिर इसी बात को उन्होंने और आगे बढ़ाया कि जो बुद्धि रिद्धि के धारक हों, अवधि मन परे केवल ज्ञान के धनी वक्ता हों, उन्हें महान वक्ता जानना। माने यहाँ तो तोड़रमल जी ने हमसे लेकर के इस परंपरा को तीर्थंकर तक जोड़ दिया। हाँ। केवल ज्ञानी जो तीर्थंकर हैं सबसे महत्वपूर्ण वक्ता वे हैं और उनकी परंपरा में यथा युग हम सब। सो इन विशेष गुण के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला ही है, और ना मिले तो श्रद्धा नादिक गुण के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। जो बात मैंने आपसे कल भी कही थी मैं फिर से कह रहा हूँ कि नहीं 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 हमें तो केवल ज्ञानी हो तो ही सुनना, नहीं 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 मुझे तो सम्यक दृष्टि हो तो ही सुनना, ये बात ठीक नहीं है। केवल ज्ञानी हो तो तुम्हारा भाग क्यों से सुनने मिल गया, सही है। सम्यक दृष्टि हो, सम्यक चारित्री हो और उनसे तुम्हें 2 शब्द सुनने मिल जाए, तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन ना मिले तो सुनने का निषेध नहीं करना, सही है। जिससे सुनने मिले उससे सुनना,
तुम्हें दो ग्रंथ आते हो उसको चार ग्रंथ आते हो तो भी उससे सुनना, और तुम्हें दो आते हो और उसको दो आते हो वो सुना रहा तो भी उससे सुनना। सही है, क्यों? सुनने का रास्ता बंद नहीं, किसी भी तरीके से नहीं है, इनसे सुनेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये अपनी बात थोड़ी कह रहे, ये जो भी बात कहेंगे वो शास्त्र की कहेंगे, इसलिए इनने सुनाई या इनने सुनाई इसका महत्व कहाँ है? बात तो भजन केवल ज्ञान का है। सही है, बात तो केवल ही की है, इसलिए अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये तो इनने सुनाई, इसका अर्थ है कि हम उस बात का भजन नहीं समझते। कौन सुना रहा है ये ज्यादा कम भजनदार है, क्या सुना रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। और जो भी सुना रहा है वो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से आया हुआ तत्व है, इसलिए हम उस तत्व को ऊर्ध्व रखना चाहिए, व्यक्ति को ऊर्ध्व रखने की जरूरत नहीं। और जैन दर्शन में व्यक्तिवाद कभी रहा ही नहीं। सही है, नमोकार मंत्र में पांच परमेश्वर को नमस्कार किया, वहां महावीर को तो नहीं पूछा। सही है, आदिनाथ को भी नहीं पूछा और सीमंदर को भी नहीं पूछा। क्यों? उन्हें ना सीमंदर से मतलब है ना महावीर से मतलब, उन्हें तो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी से मतलब है। तो जैन दर्शन में तो गुणों की पूजा है, व्यक्ति को महत्व कभी नहीं दिया गया। और इसी परंपरा में आप अपने अनेक आचार्यों को देखो, कितने बड़े बड़े काम कर गए पर उनके नाम आपको कहीं लिखे नहीं मिलते। सही, ढूंढना पड़ता है कि ये पहले हुए कि बाद में हुए, कि भैया इनने इनकी किताब का रेफरेंस दिया, इन्होंने इसका उदाहरण लिया, तो हो सकता है इनके काल में लिख गई होगी। कैसे कहते टूडरमल जी ने कहाँ अपना नाम लिखा, कहाँ? और जब उन्हें पर्चे की बात आई तो पर्चे उन्होंने अपना कैसा लिखा? मैं हूँ जीव द्रव। माने गजब बात ये हो गई, 300 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। माने हम इसको ऐसा नहीं मानते कि 300 साल कोई बहुत बड़ा समय गुजर गया। सही है, लेकिन 300 साल के पुराने जो विद्वान थे आज हम उनकी पत्नी का नाम नहीं जानते। सही है, हम एग्जैक्ट किस गाँव में या किस जगह पैदा हुए थे हम इसको मार्क नहीं कर सकते। ये तो उनका कार्यस्थल समझ लो टूटल जी का बड़ा मंदिर, इसको आज प्रसिद्ध है इसलिए हम कह रहे हैं। जन्मस्थान कहाँ है कोई पता है? उनका घर आप बता दो कहाँ है कि इस घर में पैदा हुए थे, जयपुर के ही तो थे, सिंघाणा में कहाँ करते थे, किसको पता? कोई पता, उसकी क्या महत्व? इसलिए व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, महत्व उसके योगदान है। इसलिए इस बात को मैं पुनः पुनः आपसे हाईलाइट करके कहना चाहता हूँ कि वक्ता के संदर्भ में जो हम लोग कुछ लोग इस बात का आग्रह रखते हैं कि ज्ञानी मिले तो ही सुनना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। ज्ञानी मिले तो सुनना चाहिए बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन ज्ञानी ना हो तो सुनना नहीं, ये बात प्रशंसनीय नहीं है। देखो मैं फिर से इस बात को पढ़ देता हूँ। हाँ। सो विशेष गुण के धारी वक्ता का संयोग मिले तो भला ही है, और ना मिले तो श्रद्धानादि गुण के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनने हैं। श्रद्धानादि गुण से आप कदाचित कह सकते, देखो टोडरमल जी ने भी कहा ना ज्ञानी को सुनना, तो यहाँ श्रद्धान का अर्थ स्थूल श्रद्धा लेना या जैन दर्शन में श्रद्धा रखता हो। जो बात मैंने आपसे पहले उस समय कही थी, इस प्रकार गुण के धारक मुनि अथवा श्रावक उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है। अब देखो टूर्नामल जी इस बात का ट्रैक बदलते हैं, और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। यहाँ उन्होंने अस्ति की बात करी तो साथ के साथ नास्ति की बात भी, कि किनसे सुनना नहीं चाहिए। इनसे तो सुनना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा तो नियम है हमें तो सुनना ही सुनना है, इसे तुम कछु भी बोल दो हम सुनते जाएंगे, ये बात भी योग्य नहीं है। पद्धति बुद्धि से माने सुनने के अभिप्राय से, सुनने के व्यसन से, इसे मैं आज ऐसा भी कहता हूँ कि हमारे आजकल सुनने का व्यसन हो गया है। सुन लिया ड्यूटी पूरी, अरे भैया सुनने के बाद तो काम शुरू होता है, तो आप सुनने के बाद उस जो काम करना चाहिए उसका तो विचार करते नहीं। सही है, सुन लिया काम खत्म, अरे सुनने के बाद काम खत्म हो गया का काम शुरू हुआ। तो पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धान आदि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से, अब इसका आपको जितना विस्तार करना हो आप विस्तार कर सकते हैं, सुनना उचित नहीं। और फिर यहीं उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का एक रेफरेंस भी प्रेजेंट किया है, और फिर उपसंहार करते हुए उन्होंने लिखा कि ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो वही अपना और अन्य जीवों का भला करे। कि मेहंदी बांटने का काम है कि जो मेहंदी बांटेगा तो दूसरे के हाथ तो लाल जब होंगे जब वो मेहंदी लगाएगा, लेकिन बांटने वाले के हाथ तो पहले ही लाल हो जाएंगे। तो जो धर्म बुद्धि से उपदेश दाता होगा वो अपना भी भला करेगा और अन्य जीवों का बुरा भला करेगा। लेकिन इससे उल्टा कि जो कसाय बुद्धि से उपदेश दे, यहाँ भी वही बात है कि जैसे मेहंदी पहले खुद को इफेक्टेड करती है तो ऐसी कसाय कि पहले आपके मन में पैदा होगी तो दूसरा उससे प्रभावित होगा या नहीं ये तो उसके पुण्य पाप का उदय है, लेकिन तुम तो हो ही गए प्रभावित हो ही जाओगे। इसे मैं ऐसा कहता हूँ,
तुम किसी के मुंह पे गंदगी लगाने के लिए गंदगी उठाओगे तो उसका मुंह गंदा होगा या नहीं, ये तुम्हारे निशाने पे निर्भर करता है, लेकिन तुम्हारा हाथ तो गारंटेड गंदा हो ही गया। ऐसे ही जो कसाई बुद्धि से उपदेश देता है वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है। धर्म बुद्धि से उपदेश दे तो स्वपर के कल्याण में निमित्त है, और कसाई बुद्धि से उपदेश दे तो वह स्वपर के अहित में निमित्त है, ऐसा जानना। इसलिए जो भी जैन दर्शन के वक्ता हैं या होना चाहते हैं उन्हें गंभीरता से एक बार टोडरमल जी के इस प्रकरण को पढ़ना चाहिए और इस प्रकरण के संदर्भ में अपने जीवन का पुनरावलोकन करना ही चाहिए। वैसे पर इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न उपस्थित अब ये हो रहा है कि दो शब्द कहें, धर्म बुद्धि और कसाय बुद्धि, चूंकि श्रोताओं के लिए वो दोनों चीज़ दिख नहीं सकती हैं, ना उसकी धर्म बुद्धि दिख सकती है ना कसाय बुद्धि दिख सकती है, तो कैसे निर्णय करें कि ये वक्ता धर्म बुद्धि से कह रहा है कि कसाय बुद्धि से कह रहा है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न खड़ा किया है कि हमें तो नहीं पता कि ये आदमी जो बोल रहा है ये कसाय से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि धर्म की बुद्धि से बोल रहा है, क्यों? ये तो मिसगाइड करने वाले लोग हैं, ये तो बहुत समझ लो चतुर होते हैं, मायाचार में प्रसिद्ध होते हैं, तो सामान्यतः आपकी पकड़ में नहीं आए तो नहीं आए, उससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार आप भी तो अपनी बुद्धि को लगाएंगे। मैंने कुछ कहा और आपने मान लिया, ये बात तो जैन दर्शन कहते ही नहीं। जैन दर्शन तो कहते ही है कि हमने जो कही उसको मत मानो, हमने जो कही है उसको परंपरा से मिलाओ, आमनाय से मिलाओ, और आमनाय से जब मिले तो मानना, और आमनाय से ना मिले तो विचार करना, नहीं मानना नहीं बोला, विचार करना, पूछना, फिर मिलाना, मिले तो मानना, नहीं मिले तो फिर विचार करना। कब तक करना है? कि जब तक ये निर्णय ना हो जाए कि सही है कि गलत है। इसलिए सामने वाले का तो कितना भला होगा बुरा होगा वो तो उसके क्षोभ या पुण्य पाप पे अधीन है, लेकिन जो वक्ता है उसका तो बुरा होगा। इसलिए बात तो ये जो बात कही गई ना ये वक्ता के एंगल से कही गई, आपने प्रश्न किया श्रोता के एंगल से, तो इसमें श्रोता के एंगल से बात नहीं है, वक्ता का बुरा होगा, खुद का तो बुरा करेगी करेगा, हाँ, सामने वाले का, और उसको तो पता है ना कि मैं लोगों को झूठ बोल रहा हूँ, तो वो सामने वाले श्रोताओं का भी बुरा करेगा। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जब गुरुदेव श्री के मिशन में कुछ क्रांति आई और उसके रिएक्शन में अनेक स्थानों पे जिनवाणी को जलाया गया, स्वाध्याय सभाओं को बंद किया गया, तो लोग ये कहते थे वे लोग बहुत पाप कर रहे हैं, मैं कहता था पुण्यवान है, ये क्या बात हुई, ये पुण्य क्यों मार रहे? अरे भैया वे जिनवाणी को जिनवाणी समझ के थोड़ी जला रहे, ये जिनवाणी को जिनवाणी समझ के थोड़ी मंदिर से निकाल रहे, उनके तो दिमाग में ये भर दिया गया है जिहाद के जैसा कि ये धर्म के नाम पे पाप है, धर्म के नाम पे भ्रष्टाचार है, तो ये तो अधर्म को निकाल रहे हैं, उनके दिमाग में तो ये है, वो सही है गलत है वो जुदी बात है, लेकिन फिर धर्म की सुरक्षा के लिए जिहादी हो गए इसलिए वो जिनवाणी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे तो क्या कर रहे हैं वो उनके परिणाम के हिसाब से होगा, लेकिन उनको किसने उपदेश दिया? उपदेशदाता ने तो ये समझाना कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए उनको मिसगाइड करो, और उनको सच्ची जिनवाणी को भी ये गलत है ये बात उनके दिमाग में फीड करी, और इसलिए वे इस बात के लिए उत्साहित हो गए कि हमें निकाल के फेंक देना चाहिए। असली पापी तो वे थे, सही जो ये बातें हैं ना, कसाय बुद्धि से उपदेश दे वह अपना अन्य जीवन, तो खुद का तो बुरा किया ही किया, मैंने जब बताया कि गलत है सही है, मुझे पता था कि सही है, सही होने पर भी मैंने गलत बताया तो मैंने अपना तो अहित किया ही किया, अवर्णवाद किया, मैंने मिथ्या तो का तीव्र बंध किया, और साथ में जो हमारे जो सामने लोग बैठे थे हमें शत्रु तो थे नहीं, हमारे मित्र थे, हमें सुन रहे थे ना, तो हमारे तो फॉलोअर थे, तो हमारे फॉलोअर तो हमारे साधर्मी है, विधर्मी थोड़ी थे, लेकिन आपने क्या किया, मिसगाइड किया, उनको भी पाप बंध का कारण बताया, उनको भी संसार में डोलने का रास्ता खुल जाए ऐसा उपाय किया, तो खुद का बुरा किया ही किया और उनका हुआ कर दिया ऐसा। सिर्फ एक अंतिम प्रश्न और यहाँ उपस्थित हो रहा है कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो वो अच्छे पात्र में ही सुशोभित होती है, उसमें ही रखी जाती है, गंदे पात्र वो स्थापित ही नहीं होती है, पर धर्म बुद्धि जो धर्म की बात है एक कसाय बुद्धि वाले जीव में स्थापित ही कैसे हो जाती है? अरे धर्म बात कसाय बुद्धि के जीव में स्थापित इसलिए हो जाती है क्योंकि वो नकली आचरण करता है, पर है तो वो धर्म की बात ही ना, तो वो इतनी धर्म की बात कसाय बुद्धि के साथ कैसे कह सकता है? जैसे अग्नि कोई गर्म वस्तु हो और उसको इंसुलेटेड बर्तन में रखो तो बाहर से तो वो ठंडा दिखता है, अंदर गर्म होता है, है ना, तो उसकी गर्मी बाहर नहीं आई ना, ऐसी उसने अपने मन को इंसुलेटेड कर लिया कसाय से,
मायाचारी से धर्म की बात उसने अपने दिमाग में रखी, तो वो धर्म की बात जिसका असर उसके भाव का अभाव होना चाहिए था, जिसका असर कषायों की मंदता होना चाहिए था, कषायों का अभाव होना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ। हाँ। और उसे कसाय भड़ा पोड़ गई। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो तो धर्म की बात कह रहा, तो बेचारा कसाय कैसे हो सकता है, मायाचारी कैसे कर सकता है। तो आपको बहुत सावधानी की जरूरत है, जो आपने भी पहले कहा था कि आपने जो सुना है उसको ही फाइनल रूप नहीं देना है। ये तो जैन दर्शन बात ही। हाँ, उसके बाद आपको विचार करना है, उसको मिलाना है, उसको जोड़ना है। इस प्रकार हमने देखा कि जैन धर्म का वक्ता कैसा होना चाहिए। बहुत सारी विशेषताओं से लगभग 3-4 क्लासों के माध्यम से हमने वक्ता का स्वरूप देखा, वक्ता का स्वरूप जाना। यह वक्ता को तो जानना जरूरी है ही, पर श्रोता को भी बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि हमारा वक्ता कैसा होना चाहिए। अब इसके बाद श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता का क्या स्वरूप होता है, इसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।